भारत के प्रसिद्ध संत आलवार संत। जब जब भारत में विदेशियों के प्रभाव से धर्म के लिए खतरा उत्पन्न हुआ, तब तब अनेक संतों की जमात ने लोकमानस में धर्म की पवित्र धारा बहाकर उसकी रक्षा की। दक्षिण के आलवार संतों को भी यही भूमिका रही है। आलवार का अर्थ है जिसने आध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गोता लगाया हो। आलवार संत गीता की सजीव मूर्ति थे। वे उपनिषदों के उपदेश किए जीते जागते नमूने थे। आलवार संतों की संज्ञा 12 मानी गई है। उन्होंने भगवान नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण आदि के गुणों का वर्णन करने वाले हजारों पद रचे। इन पदों को सुन गाकर आज भी लोग भक्ति रस में डुबकी लगाते हैं। आलवार संत प्रचार और लोकप्रियता से दूर रहे। ये इतने सरल और सीधे स्वभाव के संत थे कि न तो किसी को दुख पहुंचाते थे और न ही किसी से कुछ अपेक्षा करते। उन्होंने स्वयं कभी नहीं चाहा, न ही इसका प्रयास किया कि लोग उनके पदों को जानें। ये आलवार संत भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए थे, परंतु संत होने के कारण उन सब का समान रूप से आदर है, क्योंकि इन्हीं के कथनानुसार संतों का एक अपना ही कुटुंब होता है जो सदा भगवान में स्थित रहकर उन्हीं के नामों का कीर्तन करता रहता है। वास्तव में नीच वही है जो भगवान नारायण की प्रेम सहित पूजा नहीं करते। आलवार संत स्वामी, पिता, सुहृद, प्रियतम तथा पुत्र के रूप में नारायण को ही भजते थे और नारायण से ही प्रेम करते थे। मेरा हृदय स्वप्न में भी उनका साथ नहीं छोड़ता है। जब तक मैं अपने स्वरूप से अनभिज्ञ था, तब तक मैं और मेरे के भाव को ही पुष्ट करता था। परंतु अब मैं देखता हूँ कि जो तुम हो वही मैं हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, अतः हे प्रभु मेरे चित्त को डुलाओ नहीं, उसे सदा अपने पाद पद्यों से दृढ़तापूर्वक चिपकाए रखो। आलवार संतों की वाणी तथा भक्ति इस प्रकार थी। इन 12 आलवारों ने घोषणा की कि भगवान की भक्ति का करने का सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। आलवार का संत भगवान में डूबा हुआ तमिल कवि एवं संत थे। इनका कला 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी संख्या 12 है। उनमें नाम पुंगु आलवार, फुतताल आलवार, पियालवार, तिरुमालिसी आलवार, नमालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखराव आलवार, पेरियालवार अंडाल, तिरुमंगेयालवार, तोंडर डिपोड़ियालवार, कुलशेखर आलवार। प्रथम 3 आलवारों में से पुरगे का स्थान कांचीपुरम में हुआ था। भुंतलवार का जन्म स्थान महाबलीपुरम और पियालवार का जन्म स्थान चेन्नई मैलापुर बतलाया जाता है। इन आलवारों के भक्ति गान ज्ञानदीप के रूप में विख्यात है। मद्रास से 15 मील दूर तिरुमिसैसी नामक एक छोटा सा ग्राम है। यहीं पर तिरुमिसैसी का जन्म हुआ। माता पिता ने इन्हें शेषावस्था में ही त्याग दिया। एक व्याध के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। कालांतर में ये बड़े ज्ञानी और भक्त बने। नमालवार का दूसरा नाम षटकोप बतलाया जाता है।
पराकुंस मुनि के नाम से भी ये विख्यात हैं। आलवारों में यही महत्वपूर्ण आलवार माने जाते हैं। इनका जन्म ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित तिरुकुक्कूर नामक ग्राम में हुआ। इनकी रचनाएं दिव्य प्रबंधम में संकलित है। दिव्य प्रबंधम के 4000 पद्यों में से 1000 पद इन्हीं के हैं। इनकी उपासना गोपी भाव की थी। छठे आलवार मधुर कवि गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान तिरुकाकुल्लूर नामक ग्राम में एवं ये षटकोप मुनि के समकालीन थे और उनके गीतों को मधुर कंठ में गाते थे, इसलिए इन्हें मधुर कवि कहा गया। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। सातवें आलावर कुलशेखर आलवार को केरल के राजा दृढ़कत के पुत्र थे। ये कौस्तुभमणी के अवतार माने जाते हैं। भक्ति भाव के कारण इन्होंने राज्य का त्याग किया और श्रीरंगम रंगनाथ जी के पास चले गए। उनकी स्तुति में उन्होंने मुकुंदमाला नामक स्त्रोत लिखा है। आठवें आलावार पेरियालवार का दूसरा नाम विष्णुचीत है। इनका जन्म श्रीविलितपुर में हुआ। अंडाल इन्हीं की पोषित कन्या थी। 12 आलवारों में अंडाल महिला थी। एकमात्र रंगनाथ को अपना पति मानकर ये भक्ति में लीन रहती थी। कहते हैं कि इन्हें भगवान की ज्योति प्राप्त हुई। अंडाल की रचनाएं निरुपाव्य और नचियार तिरुमोसु बहुत प्रसिद्ध है। अंडाल की उपासना माधुर्य भाव की है। का जन्म विप्रकुल में हुआ। इनका दूसरा नाम विप्र नारायण है। 12वें अलावर तिरुमगयावालवार का जन्म सेव परिवार में हुआ। ये भगवान के दास भावना से उपासना करते थे। इन्होंने तमिल में 6 ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें तमिल वेदांग कहते हैं। इन आलवारों के भक्ति सिद्धांतों को तर्कपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने वाले अनेक आचार्य हुए। आलावर फुतालवार नम्मालवार मधुर कवि आलवार ऐसे ही बहुत आलावर हुए एवं सभी तमिल कवि एवं संत थे।